नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो जर्नी कर रहे हैं ये है दुर्ग से बिलासपुर के बीच। लगभग इसकी जो डिस्टेंस 140 किलोमीटर के आसपास है। ये आपका जो कहलाता है आपका NH 130। आपकी एक जो शाखा है सिमगा से कवर्धा की तरफ चले जाती है और साथ ही एक शाखा बिलासपुर की तरफ चले जाती है। ये जो बिलासपुर रायपुर आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये आपका सिमगा तक, रायपुर से सिमगा तक 6 लेन और सिमगा से बिलासपुर तक आपका ये 4 लेन है। कंक्रीट की रिजिड पेमेंट की रोड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो 6 लेन के फेस में हम लोग खड़े हुए हैं और साथ ही आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो फ्लो है काफ़ी सुगम तरीके से हो रहा है। लगभग इसमें मैक्सिमम जो गति होती है गाड़ी की वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास कारें चल रही है और साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशन का ख्याल रखा गया है। 3 कंपनी इस रोड को बनाई है। पहला नाम है दिलीप बिल्डकॉन, दूसरा नाम है आपका LNT और तीसरा जो नाम है वो है आपका पुंछ लॉयड। साथ ही ये जो हाईवे है आपका सरगांव से लेकर सिमगा के बीच, ये आपका इंडिया का बेस्ट 3 हाईवे में से इसका नाम इस साल आया है। आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से ये हाईवे ग्रेडेड पेमेंट है, सारे सेफ्टी ख्याल रखा गया है। रात के समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ऑलरेडी मैंने पुराना वीडियो बनाया है, लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा है और साथ ही रात के समय रिफ्लेक्टर का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो ये है आपका बिलासपुर रायपुर हाईवे। तो चलिए हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। दोस्तों, ये है आपका रायपुर बाईपास। बहुत सारे लोगों को अभी इस बाईपास के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि ये अभी बना है, क्योंकि टाटीबंध चौक पर आपका एक फ्लाईओवर बन रहा है जो कि भारतमाला योजना के अंतर्गत बन रहा है और साथ ही टाटीबंध से आपका रायपुर के आउटर में ये रोड जा रहा है। तो इस तरीके से आप काफ़ी समय बचा सकते हैं, इससे आपको रायपुर सिटी घुसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेन हाईवे पर, मतलब वो जो रोड था वो बाईपास रोड था। तो अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है बिलासपुर की तरफ, ये आपका सिंगा तक जो ये हाईवे है दोस्तों, ये है आपका 6 लेन हाईवे जैसा कि आप दिख पा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कई छोटे छोटे शहर पड़ते हैं, वहाँ पर आपका बाईपास का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, मतलब शहर के बाहर से सारी रोड दिखते हैं जिससे आपका ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम और साथ ही कहीं भी कोई सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं ये है आपका सिग्नल फ्री हाईवे। दोस्त, अब हम सिमगा नाम की जगह से आगे निकल गए हैं। सिमगा में आपका कवर्धा जबलपुर की तरफ से हाईवे जाता है जो कि नेशनल हाईवे है, जिसकी वजह से रायपुर से सिमगा के बीच 6 लेन रोड बनाने की जरूरत पड़ी, जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिमगा से बिलासपुर ये आपका 4 लेन हाईवे है। सिमगा से दोस्तों हम लोग बाईपास निकल गए। अब हमारी जर्नी सिमगा से बिलासपुर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका आगे आने वाले समय में हमें नांदघाट मिलेगा। नांदघाट में आपका शिवनाथ नदी मिलता है जो कि आगे के वीडियो में आप देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस हाईवे में हर तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। प्रॉपरली गैप के बीच रिफ्लेक्टर लगे हैं, प्रॉपरली उनके बीच एक प्रॉपर गैप दिया गया है ताकि उसमें एक्सीडेंट की संभावना कम हो सके और साथ ही साइन बोर्ड का ख्याल रखा गया है। हर जगह आप साइन बोर्ड देख पा रहे हैं। रात में भी इस रोड में चलना काफ़ी अच्छा रहता है, सेफ्टी भरा रहता है, सुरक्षा प्रदान की गई है इस हाईवे पे। भारत के ये टॉप 3 हाईवे में इस हाईवे का स्थान आता है। दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी बिलासपुर से सिमगा के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। कुछ नाश्ता करने के लिए घर से कुछ पैक करा लिए थे। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी और ये हमारा परिवार है, इसमें हमारी मम्मी है, पापा हैं और साथ ही हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, सब लोग हम लोग इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए आज एक ब्लॉग वीडियो बनाया जाए। तो अभी ऑन द वे हैं हम लोग, नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं बिलासपुर रायपुर हाईवे। तो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये बिलासपुर रायपुर हाईवे। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अभी आ रही है शिवनाथ नदी। ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी है जो कि आपका महानदी में जाकर मिलती है। तो इस तरीके से अभी हम शिवनाथ नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये आपका 6 लेन का ब्रिज है, मतलब 3 लेन का एक ब्रिज और दूसरी तरफ जो है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है
वहाँ भी आपका 3 लेन की रोड है। तो इस तरीके से ये काफ़ी चौड़ा रोड है ब्रिज पर। दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में सरगांव। सरगांव से नांदघाट की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर के आसपास है और सरगांव से जो बिलासपुर है वो लगभग 23 किलोमीटर के आसपास है। इस तरीके से हम आगे कुछ देर में सरगांव पहुँचेंगे। सरगांव में भी हमें बाईपास से बाहर निकलना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें आगे जाके सरगांव मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी रोड क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पर ओवरपास बना हुआ है। साथ ही हम सरगांव में बाईपास से निकलेंगे। इस रोड पे आपके 2 टोल हैं, 1 टोल शुरू नहीं हुआ है। आगे जाके हमें जैसा कि इसी वीडियो पर हम देखेंगे एक टोल मिलेगा जिसका लगभग आपका एक साइड का 40 रुपये है। साथ ही ये जो टोल है आपका सरगांव के बाद मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉगिंग वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे हम बिलासपुर पहुँच जाएंगे तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो।